आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कीट भक्षी पौधे निम्न में से किसके लिए कीटों का भक्षण करते हैं। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा विकल्प है वसा, तीसरा विकल्प है प्रोटीन और चौथा विकल्प है खनिज। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं। तो ऐसे पौधे क्या होगा, ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं, तो कीटों का भक्षण करते हैं उन पौधों को हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। कीट भक्षी पौधे कौन कौन से थे, यदि हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या क्या आएगा, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, क्या आएगा, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा और साथ ही साथ निपेंथिस, क्या होगा, निपेंथिस आदि। ये सभी पौधे क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं। और ये सभी पौधे जो हैं, कीट भक्षी जो पौधे हैं, वो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पे किसी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। किसी कमी होती है तो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं, की कमी वाले स्थान या फिर स्थानों पर ये पौधे उगते हैं। और जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पे ये पौधे पाए जाते हैं। इस कारण क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। किसके लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। और कीटों के भक्षण से क्या होता है कि कीटों के भक्षण करने से इनकी नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस इन्हें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नहीं करते हैं, तो हमारा पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प है वसा, तो वसा की पूर्ति के लिए भी कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नहीं करते हैं, तो हमारा विकल्प दूसरा भी नहीं होगा। विकल्प तीसरा है प्रोटीन। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन है वो किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से, अम्ल से बना होता है। और अमीनो अम्ल है वो किसकी सहायता से बनता है, नाइट्रोजन की सहायता से, नाइट्रोजन की सहायता से बनता है। तो कीट भक्षी जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प तीसरा है वो इसका सही उत्तर होगा। और विकल्प चौथा क्या है, खनिज। तो खनिज की पूर्ति के लिए भी वो कीटों का भक्षण नहीं करते हैं, तो हमारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। हमारा जो विकल्प तीसरा है वो इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।